हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? नहीं और खाना वाना खा लिया? सॉरी, बट अब आपकी जान कभी भी जा सकती है, आप मरने वाले हो। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि आजकल जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना कम और जहर ज्यादा है। अब आपके मन में होगा, डॉक्टर साहब ये आप क्या बोले जा रहे हो? तो आज हम ऐसे ही फूड्स की बात करेंगे जिनको खाने से धीरे धीरे आप मर रहे हैं और एक ना एक दिन ये आपकी जान जरूर लेंगे। तो अपने आप को ऐसी गंदी चीजों से बचाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, एक गिव अवे है हेल्दी प्रोडक्ट्स का। तो ये भी एक कारण है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आजकल जो हम खाना खा रहे हैं, हमें ये तो पता है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट जरूर हो रही है, पर तब क्या करें अगर आपको कुछ हेल्दी बोल के ऐसी चीज दी जा रही हो जो धीरे धीरे आपको काफी नुकसान पहुंचाती है। ऐसी ही कुछ चीजों में सबसे पहले आती है मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स। वैसा बोलूंगा तो आपको शायद समझ ना आए, अगर कंपनियों के नाम लूंगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा। मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स यानी कि कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट जैसी कंपनीज। अब आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि ये हेल्दी है? कमेंट में जरूर बताना। तो मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मॉल्ट पाउडर जो कि मॉल्टेड बॉली, व्हीट फ्लार यानी कि मैदा और मिल्क पाउडर से मिलकर बना होता है। ये तो आगे इसके नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स। इसके 100 ग्राम में आपको मिलेगा 7 ग्राम प्रोटीन, 1.8 ग्राम फैट और 82.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से 34 ग्राम सिर्फ शुगर ही है। मतलब कि आपको चीनी दी जा रही है मॉल्ट पाउडर में घोल के। अब आप ही बताओ ये कितना हेल्दी है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे स्टारवेशन यानी कि भुखमरी देखी जाती थी। तो बाहर के देशों ने क्या किया, इनको हेल्दी के नाम से बेचना शुरू कर दिया, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और हम भी ऐसे हैं, अगर कोई गोरा इंसान कुछ बोलेगा तो उसको हम सच ही मानेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेल्दी फूड की बात करें तो वो आते हैं आपके हेल्दी इंस्टेंट नूडल्स, यानी कि आटा नूडल्स और ओट्स नूडल्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ओट्स नूडल्स किन चीज़ों से बना होता है? ऑब्वियसली ओट्स से। पर कभी इसके इंग्रेडिएंट्स देखना, आपको दिखेगा इसमें सिर्फ 39% ओट्स हैं, बाकी का 61% मैदा ही है। और इसके मसाले में आपको सोडियम भर भर के मिलेगा जो कि बीपी पेशेंट के लिए जहर है। इसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल डाले जाते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो आपको क्या लगता है आपके अंदर जाके वो कितना फ़ायदा पहुंचाते होंगे आपको? तो मेरी एक बात मानो, हेल्दी के नाम पे बेवकूफ बना बंद करो। आप टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और अपनी हेल्थ भी। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में इंस्टेंट नूडल्स की कंजप्शन इंडिया में 4th नंबर पे है? हम लोग एक साल में 5 अरब से ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट खा जाते हैं। अब ये प्रोसेस्ड होता है, केमिकल से भरा होता है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो खाना है, हमें टेस्ट से मतलब है। जान का क्या है, जान तो तुम अपनी वाली पे ऐसे लुटा दो। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। इसके बाद पूरी दुनिया में हेल्दी के नाम से बेचे जाने वाले आते हैं स्प्रेड्स। चॉकलेट सिरप यूज मत करो, इसकी जगह नुटेला यूज कर लो। ये हेल्दी होता है, हेज़लनट से बना होता है। बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं शुगर, पाम ऑयल और हेज़लनट्स। ऐसी ही किसी कंपनी का ये दावा भी है कि ये एक बेटर हेल्दी ब्रेकफास्ट अल्टरनेटिव है। अब कितना हेल्दी है ये तो आप खुद डिसाइड करें, हमारा काम था आपको अवेयर करना। अगर आपको चीनी, ड्राई फ्रूट और तेल मिक्स करके नहीं खाना तो इसकी जगह आप पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी पॉकेट के लिए भी। अगर मेरी नहीं मानी तो इसकी सुनो। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे ब्रेकफास्ट की। सबसे ज्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट आपकी नजरों में क्या है? ऑब्वियसली कॉर्नफ्लेक्स। अब कॉर्नफ्लेक्स जैसा हेल्दी खाना इस वीडियो में क्या कर रहा है, इस बारे में सोचना बंद करो। सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या मिलेगा। इसकी एक सर्विंग में आपको मिलेगी 100 कैलोरीज जो कि बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। इसमें फैट्स हैं 0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स हैं 27 ग्राम, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस हीरो को हम विलन क्यों बना रहे हैं? इसका एक इकलौता कारण है, इसमें फाइबर होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम। कॉर्न जो कि फाइबर रिच डाइट है, इसमें आपको फाइबर ही नहीं मिल रहा। अब कॉर्नफ्लेक्स में फाइबर इतना कम क्यों है, जनता जवाब मांगती है। इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, वो भी कौन से नहीं, शुगर से मिल रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट में आपको शुगर कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें डाला जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये आपकी इंसुलिन बूस्ट कर देता है जो कि शुगर पेशेंट के लिए नाभि में तीर लगने के बराबर है। एंड एट लास्ट एक भेड़िया जो भेड़ के कपड़ों में छुप के बैठा है, वो है ब्राउन ब्रेड। हमारे घरों में यही बोला जाता है कि व्हाइट ब्रेड मत खाओ, उसकी जगह ब्राउन ब्रेड ले लो, क्योंकि व्हाइट ब्रेड जो है वो मैदे से बनी होती है। तो आप क्या समझते हो ब्राउन ब्रेड किससे बनती है? चलो इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नजर डालते हैं। ब्राउन ब्रेड में होल व्हीट फ्लार है 32%, यानी कि आटा है 32%। उससे अगला इंग्रेडिएंट आप खुद ही पढ़ लो, रिफाइंड व्हीट फ्लार यानी कि मैदा। आपके ब्राउन ब्रेड में ये मैदा क्या कर रहा है? मैंने तो आपको पहले बोला था
भेड़िया भेड़ के कपड़े डाल के बैठ गया है। यहाँ हम लोग खुद नहीं सोचना चाहते, बस किसी के कहने पे चल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप क्या खा रहे हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा काम था आपको अवेयर करना, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आज इस चैनल पे फर्स्ट गिव अवे है, तो ये हेल्थ पैकेज आपका हो सकता है दो सिंपल स्टेप्स में। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे सेंड कर देना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं, तो अपने किसी दोस्त, रिलेटिव या पेरेंट के फोन से सब्सक्राइब करो और स्क्रीनशॉट भेजो। विनर की अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में कर दी जाएगी, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।